सो पता नहीं कुछ तो आया है, देखते क्या है, कुछ अलग ही है, कुछ लिखा है पता नहीं, डू नॉट एक्सेप्ट टेम्पर्ड पैक, आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है, लेकिन खोल के देखते हैं क्या है। खोला जाता है, ओके कुछ दिख रहा है, वो बियॉन्ड द स्पीड, इट्स वन प्लस सेवन प्रो, इट्स द वन प्लस सेवन प्रो। तो अभी इसका कुछ ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में और इसको अब खोलते हैं। डिब्बा ऐसे खुलता है एंड वन प्लस का कुछ फीचर्स होते हैं दिखाते हैं, पहले कैम ये सब साइड में रखते हैं। इनका जो कवर होता है ना यार केस, बहुत स्लीक डिज़ाइन का और बहुत अच्छा होता है। अभी भी मेरी मम्मी वन प्लस सिक्स यूज़ कर रही है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था जस्ट बिकॉज उन्हें पता नहीं था कि पानी में डालना नहीं रहता है, तो वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ नहीं होता है कोई भी फ़ोन। तो बहुत अच्छा इन लोग का डिज़ाइन है यार इसका। एंड इसमें बाकी कुछ है क्या हम लोग देखते हैं, खाली है। एंड इसमें क्या है फिलहाल खोल के देखा जाए तो कुछ चेंजेस किया है वन प्लस सेवन ने। ये आपका मेमोरी सिम मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड स्लॉट के लिए यूज़ हुआ करता है और गो बियॉन्ड बियॉन्ड व्हाट बियॉन्ड स्पीड। तो ये आता है हमेशा मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल कहा जाता है इसको, जो कि हम लोग इंडियंस लोग यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसको थोड़ा रखते हैं साइड में अभी फटाफट और देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। तो ये कुछ है प्लास्टिक रिसाइकलिंग मटेरियल एंड ऑल, बिकॉज इंडिया में प्लास्टिक बैन हुआ तब से ये सब देना शुरू कर दिया। एंड कुछ वन प्लस के स्टिकर्स नेवर सेटल एंड वन प्लस, तो ये सब को रखे साइड में। तो फ़ोन बूट करते हैं या फ़ोन में देखते हैं और क्या क्या है। ओके इनविटेशन लेटर है कुछ, वेलकम एंड ओपन। आई नो दैट साउंड्स वियर्ड, फ्रेंड लेट मी बी द फर्स्ट टू वेलकम यू ब्ला ब्ला ब्ला, पढ़ लो यहाँ से। इसका ना अभी ये सुनने में मज़ा आता है, आवाज़ कैसा लग रहा है। तो ये है नेब्यूला ब्लू और इसका यार स्मेल ना, ओ गॉड, इसको मैं छोड़ दिया था नीचे। तो यार इसका जो स्मेल है ना, नए फ़ोन का जो स्मेल होता है ना बहुत अलग होता है। अभी नया है तो ये फिसल भी जा रहा है हाथ से, बहुत अलग चीज़ है। तो अभी ना पहले ही हम लोग इसको लगा देते हैं इसका जो भी है, कि हम लोग सेफ साइड में रहना पसंद करते हैं। फटाफट हम लोग निकालते हैं इसको। तो अभी हम लोग ऐसा थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। अभी गेस्चर तो नहीं चाहिए हम लोग को, एंड स्क्रीन कैलिब्रेशन नेचुरल विविड, थोड़ा बहुत अलग चेंजेस दिख रहा होगा आपको, sRGB एंड AMOLED, ये सब तीनों चीज़ें हैं। तो मैं AMOLED पे रखता हूँ एंड थोड़ा सा बीच में रखते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं। फॉन्ट साइज़ वन प्लस स्लेट का देखती कैसा होता है और वन रोबोटो को क्या होता है, चेंजेस है रिकमेंडेड तो यही बोल रहा था, हम लोग इसको यूज़ करते हैं और नेक्स्ट पे करते हैं। तो यार जैसे कि देख रहे हो ये जादुई वॉलपेपर जैसा फील आ रहा है, वो कैसे आ रहा है पता नहीं, लेकिन बेसिकली ये फ़ोन है और इसमें कुछ अलग चीज़ें हैं। और सुनने में आया था कि एंड्रॉयड 10 भी आया, तो देखते हैं कि इसमें कौन सा एंड्रॉयड है। सबसे पहले सिस्टम में गए, देन रैम बूस्ट, ओके कुछ नया चीज़ इन लोगों ने डाला है सिस्टम पर, ऐसा दिखता है आप लोग देख रहे होगे। जैसे कि स्नैपड्रैगन 855 है, 12 GB रैम है एंड प्लस 256 GB रोम है, जो कि हम लोग स्टोरेज कहते हैं इसको। 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का कैमरा और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसको हम लोग ट्रिपल कैमरा भी कहते हैं। और एक फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले है 6.67 इंच का है जो कि, और यहाँ पे बिल्ड नंबर आप जैसे कि देख सकते हैं ऑक्सीजन OS है मॉडल एंड एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10 नहीं है बेसिकली, तो ऐसा है। एंड हम लोग जो चीज़ देख रहे थे वो है हमारा कैमरा। तो यार टू बी ऑनेस्ट अभी ये जो है ना बहुत सही दिख रहा है, यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड इतना अच्छा क्लैरिटी दे रहा है। मैं जूम इन करके भी देख रहा हूँ ना यार,
बहुत सही दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर रहा होगा लेकिन हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं एक सजेस्ट करूँगा कि वन प्लस को लीजिए या फिर कोई और ऐसे फ़ोन्स होंगे जिसमें आप लोग देख रहे होंगे। अभी मैं नाइटस्केप मोड इस पर तो नहीं ले सकता हूँ, पोर्ट्रेट मोड अंधेरे में लेके देखता हूँ कैसा दिखता है। तो यार जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इसमें इतना खास क्लैरिटी नहीं है, ये देखो खास क्लैरिटी नहीं है, जस्ट बिकॉज अपना यहाँ पे इसमें लग रहा है फेस ब्यूटी यूज़ किया है इसके ऊपर। और अगर इसमें देखा जाए तो मेरी दाढ़ी नहीं दिख रही है यार उतनी खास, तो उस हिसाब से मैं चेक करता हूँ कि कैसा फ़ोटो आया कैसा नहीं आया। तो वन प्लस तुम्हें तो सेल्फी पे वर्क करना पड़ेगा, सेल्फी कैम पे तुम्हारे। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो वन प्लस ने बताया है कि 1080p 60fps पे है, फिर 4K फिर 4K 60fps। 4K 60fps में क्या होता है ना यार, स्टेबलाइजेशन हो जाती है अलग सी और वीडियो में उतना ये नहीं होता है, जर्क नहीं आता है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा वीडियो ना रिस्पॉन्स लेट दे रहा है, तुम लोग भी देख सक रहे होगे, तो ऐसा प्रॉब्लम है इसके अंदर। मैं वहाँ पे अभी बैठता हूँ और फिर बोलता हूँ। तो यार मैं वीडियोज़ की भीख नहीं व्यूज़ की भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि मेरा व्यू मेरा वीडियोज़ जो है वो हर एक के पास पहुँचे। और मैं देख रहा हूँ पिछला जो वीडियो डाला था अभी तक उसके ऊपर सिर्फ 70 या 80 व्यूज़ आए, जबकि मेरी सब्सक्राइबर रेट है 649 सब्सक्राइबर्स पे। मैं कुछ भी मांगता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा फुल सपोर्ट मिले मेरे लोगों से। मैं जानता हूँ कि आप लोग सब सपोर्ट करने वाले हो, और इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अब सीधा एग्ज़ाम के बाद लेके आएंगे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम 14 से शुरू हो रहा है। तो विश मी लक, देखते हैं कि कैसा जाता है एग्ज़ाम। अभी भी वहाँ पे सब बुक्स पड़े पड़े और कैमरा भी उसके साथ ही पड़ा हुआ है। तो अगर यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छे वीडियोस के साथ। तो मैं उतना अगर इसके साथ मुझे और अगर अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना है तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि अभी कैसा है ना यार, वन मैन आर्मी हूँ, हर एक चीज़ अकेले कर रहा हूँ, लाइट अकेले बदल रहा हूँ, चेंजेस अलग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मम्मी मदद कर देती है या तो फिर खुद ही करता हूँ। तो ऐसा ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, तो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए ज़िंदगी जियो, जीने दो, और यार खुशी फैलाओ यार हर एक जगह। तो चलो बाय।